शहर ने धुंध की चादर तान ली। रास्ते धुंधले, हद निगाह कम होने से मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम ट्रैफिक जीटी रोड पर मुंतकिल। हुकाम के शहरियों को गाड़ियों पर फॉग लाइट के इस्तेमाल की हिदायत। धुंध ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। एयरपोर्ट के तरफ भी धुंध ही धुंध। हद निगाह 300 मीटर तक महदूद। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। परवासों के लिए टेक ऑफ से कबल इजाजत देना लाजिम करा। शहर पर तैनात धुंध ने बिजली के तसली निजाम को ठंडा कर दिया। बंद रोड ग्रिड स्टेशन से 220 की सर्किट्स में पानी खराब है। निजाम बचाने की कोशिश। हर घंटे बाद एक घंटे बिजली बंद। इलाका वाकई परेशानी का शिकार। फोग के साथ स्मॉग भी जोरों पर। शहर एक बार फिर आलूदा। शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 रिकॉर्ड। तबी माहरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। स्मोक इंतहाई खतरनाक। हुकूमत स्कूल 20 दिसंबर से बंद क्यों नहीं कर रही। हाई कोर्ट ने कल जवाब तलब कर लिया। अगर हुकूमत ने स्कूल बंद करने पर गौर ना किया तो हम फैसला करेंगे। जज के रिमार्क्स। सिर्फ कैप्टन पावर सेक्टर को गैस के फराहमी मौतल की। एक्सपोर्ट और जनरल इंडस्ट्रीज के शोबों को गैस दी जा रही है। तर्जमान सुई नॉर्दर्न गैस ने कहा कि फैसला घरेलू सार्फिन की सहूलत के लिए किया है। सर्दी में गैस के इस्तेमाल में इजाफा। सुई नॉर्दर्न ने घरेलू कनेक्शन की फराहमी बंद कर दी। डोमेस्टिक गैस कनेक्शन का अजरा भी मौतल। 80,000 सार्फिन रकम अदायगी के बावजूद कनेक्शन से महरूम। ये तमाशा पिछले 4 सालों से चल रहा है। पेशियों का हर पेशी पे कानून का एहतराम है, हम आते हैं, लेकिन आज कौम से मैं ये पूछता हूँ, पेशी क्या उस शख्स की नहीं होनी चाहिए जिसने अवाम को धोखा। हुकूमती वजीर कहता है गैस 3 वक्त आएगी। क्या पाकिस्तानी कौम फकीर है। हमजा शहबाज बरस्टर ने कहा इमरान न्याजी खिलाड़ी नहीं खिलवाड़ करने वाला। नए पाकिस्तान का ढोंग रचा कर पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी। लगता है हमजा को ख्वाब में भी हुकूमती कारकर्दगी नजर आती है। हसन खावर का जवाब। कहते हैं ओपोजिशन ने आवाम को धोखा दिया। पीडीएम के लॉन्ग मार्च के लिए लोग घरों से नहीं निकलेंगे। पूरे 22 नोटिस लिए उन्होंने महंगाई के ऊपर। महंगाई बढ़ी है हमने उसको, और 23वें नोटिस में उन्होंने कह दिया पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब मुझे बताएं कि मैं मतलब कहां रोएं हम जाके, किस दीवार से सर फोड़े अपना कि 22 नोटिसेज आपने फिर क्यों लिए। 22 नोटिस पे जो है वो लेने के ऊपर मुल्क में महंगाई बहुत थी। 23वें नोटिस में मुल्क जो है वो सस्ता हो गया। वोट खरीदे जा रहे हैं। क्या असेंबली इलेक्शन ऐसे होते हैं। असमा बुखारी के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। हुकूमत भी निशाने पर। कहा आवाम आज गली महल्लों में हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। बल्दियाती इदारों की मौतली के 24 माह मियाद में शामिल करने का केस। हाईकोर्ट ने महकमे बल्दियात का जवाब मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को तफसीली जवाब दोबारा जमा कराने की हिदायत। कुछ निकात ऐसे थे जो सबका बिल में थे जिनके ऑलरेडी उनकी एलिवेशन मौजूद थी, तो हाईकोर्ट का ख्याल था कि मौजूदा बिल में वो उनका उन्हें नहीं होना चाहिए, तो वो अब चूंकि बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है और जो भी अदालत के तहफात हैं इंशाल्लाह ताला उनको बाकायदा एड्रेस किया। बल्दियाती बिल से मुतालिक अदालत के तहफात दूर करेंगे। वज़ीर कानून राजा दशारत की यकीन दहानी। कहते हैं बल्दियाती निज़ाम का बिल पंजाब असम्बली के कमेटी के सपुर्द कर दिया। कमेटी तरामीम पर गौर करेगी। ईवीएम पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मामला अदालत जा पहुंचा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 हाई कोर्ट में चैलेंज। मेयर फैसलाबाद ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया। मौलाना फजल रहमान का चौधरी पर बेसलाही को फोन। चौधरी शिजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और जल्दी की दुआ। कहा लाहौर आऊंगा तो चौधरी शिजात हुसैन की इयादत के लिए जरूर आऊंगा। आईजी पंजाब से नेशनल पुलिस ब्यूरो के 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक
रिपोर्ट्स पर अमल और पेशरफ्त का जायजा। राव सरदार अली कहते हैं कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। बरस पर बरस गुजरने लगे लेकिन जख्म आज भी ताजा। सानिया एपीएस के सातवीं बरसी, माँ बाप के कलेजों पर लगे घाव से खून रसना बंद ना हो सका। प्यारों को खोने वाले गम की तस्वीर बने हुए हैं। पंजाब असेंबली का इजलास, एपीएस के शुहदा के लिए फातह खानी। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के कातलों से मुजाकरात नहीं हो रहे, जो कातिल हैं वो जेल में सजा भुगत रहे हैं, वजीर कानून का खिताब। सानिया एपीएस के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कौम को सलाम। उस्मान बुज़दार कहते हैं बच्चों की कुर्बानी ने कौम को नया हौसला दिया, अम की बुनियाद रखी। शहदा की कुर्बानी ता क़यामत फरामोश नहीं की जाएंगी। सानिया एपीएस पर पूरी कौम अफसरदा, यकीनी बनाया जाए कि इस तरह का सानिया फिर ना हो। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, कहा अपनी तरजीहात पॉलिसियों से मुतालिक नजरसानी करने की जरूरत है। सानिया एपीएस के शहदा की याद में एसएसटीओ की तकरीब शमे रोशन की। तकरीब में एसएसटीओ के अरकान, मेंबर पंजाब असेंबली और पुलिस के जवानों ने भी शिरकत की। सोलह दिसंबर मुल्की तारीख का स्या दिन, दो बड़े सानहात का जख्म आज भी ताज़ा। सराजुल हक का शहदाए एपीएस, मशरकी पाकिस्तान को सलाम, कहते हैं कौम को मुतहद होकर मुल्क दुश्मन साजिशों का मुकाबला करना होगा। महकमा जंगलात में सानिया एपीएस के हवाले से तासीती सेशन, वजीर जंगलात सप्तान खान की तासीती सेशन में शिरकत। इजलास में एपीएस के शहदा के कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शालम मार्केट में सानिया एपीएस के शहदा के लिए दुआया तकरीब, ताजरों की कसीर तादाद में शिरकत। महफिल नात का भी इनाकात, शहदा के साले सबाब और बुलंद दर्जात के लिए भी दुआ कराई। जमात इस्लामी के जेर एहतमाम स्कूल ढाका सानिया एपीएस की याद में तकरीब, जिक्रुल्ला मुजाहिद की खसूसी शिरकत। कहते हैं स्कूल ढाका और सानिया एपीएस पाकिस्तान की तारीख के सियाबाब हैं। कोरोना के हमलों का तसलसल बरकरार, शहर में 25 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के हमलों में भी कमी, शहर में 28 नए केस। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 208 मरीज जेर इलाज हैं। टीचिंग अस्पतालों में 40 से ज्यादा नर्सिस की जाली भर्तियां, महकमा सेहत का नोटिस। 2017 से 19 की भर्तियों के रिकॉर्ड की जांच का फैसला, 9,239 नर्सिस की भर्तियों की जांच होगी। खुफिया कैमरों की वीडियोस लीक का केस, सियासी खानदानों की शादियों की तस्वीर भी लीक हुई हैं। हुकूमत शहरियों के निजी तस्वीर की हिफाजत करे, अदालत के फरकान को जवाब जमा कराने की मोहलत। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग अदालत में पेश। शहबाज शरीफ तफ्तीश में कसूरवार पाए गए, एफआईए आइंदा समाअत पर, अदालती दायरा इख्तियार पर दलाल तलब। अली जफर के तकज़ीद के दावे पर समाअत, गुलुकारा मिशा शफी सेशन कोर्ट में पेश। हाजिरी मुकम्मल कराई, हक और सच के साथ खड़ी हूँ, केस का अंजाम अच्छा होगा, मिशा शफी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला से ओवरसीज पाकिस्तानीज के वफ्द की मुलाकात, वफ्द ने मसाइल और सिफारिशात पेश की। सरदार उस्मान बुज़दार की हल की यकीन दहानी, कहा माजी में ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। LWMC ने कैप्टन लाजमीन के खिलाफ आसी ने चढ़ानी, पेट्रोल चोरी करने वाला मुलजिम नौकरी से फारिग, तवील मुद्दत से गैर हाजिरी। 265 मुलाजमीन की भी पक्की छुट्टी करा दी गई। आई
आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग करप्ट अनासिर के खिलाफ मुतहरिक, सेंट्रल जेल लाहौर का वार्डर अब्बास और यासीन रिश्वत लेने पर नौकरी से फारिग, मॉनिटरिंग पर मामूर कंट्रोल रूम का अहलकार भी बर्खास्त। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं बिल की मंजूरी वजीर आजम इमरान खान के जद्दोजहद का नतीजा है। वॉल सिटी अथॉरिटी तजावजात हटाने में नाकाम, मस्जिद वजीर खान की तमीर और बहाली का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, 1.5 करोड़ के फंड्स मुख्तस करने के बावजूद सर्वे न किया जा सका, रिपोर्ट हुकाम को अरसाल। LBF का पिया फाउंडर्स पर माली बदनवानियों का इल्जाम, कहा ताजरों का पैसा जाती मफादात अयाशी पर खर्च किया जा रहा है। एक बार फिर ताजरों की जेब पर डाका डालने के लिए चैंबर की फीस बढ़ाई जा रही है। शहरियों को मुजरे सेहत दूध पिलाने की कोशिश नाकाम, बाबू साबू पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मिलावटी दूध की तरसील करने वाली 2 गाड़ियां पकड़ ली, 2200 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। महकमा लाइफ स्टॉक के कारोबारी रहनुमाई के लिए सर्विस का आगाज, सूबाई वजीर हुसैन रशिक और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने इफ्तिताह किया। शहरी जानवरों से मुतालिक मसाइल बताकर आगाही ले सकेंगे। सीनियर एंकर पर्सन सलमान हैदर के वालिद सैयद फिरोज आलिम का इंतकाल, कौमी मरकज शादमान में नमाज जनाजा अदा, नमाज जनाजा में सहाफती और समाजी शख्सियात समेत अजीज वकारब की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाहौर टेक्स पार्क में सेमिनार का इनेकाद, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के काम करने का तरीकाकार पर लेक्चर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह ने मालूम के फराहमी के तरीकाकार से मुतालिक आगाह किया। अलहमरा और कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल ड्रामों की बंदी, स्टेज फनकारों और प्रोड्यूसर्स के वक्त की, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चरल अलहमरा से मुलाकात, वक्त की मेयारी ड्रामे पेश करने की यकीन दहानी। कटास्टास मंदिर में हिंदुओं की मजहबी रस्मात की अदायगी की तैयारी, 100 से ज्यादा हिंदू यात्री कल बाघा के रास्ते पाकिस्तान आएंगे, यात्रियों की सिक्योरिटी और रिहाइश के तमाम इंतजाम मुकम्मल। गैर कानूनी रोइंग चैंपियनशिप क्यों मुनक्किद कराए, स्पोर्ट्स बोर्ड ने सदर रोइंग फेडरेशन से जवाब मांग लिया, रिजवानुल हक पर मनपसंद टीमों को नवाजने के लिए इवेंट कराने का इल्जाम। और हजूरी बाग में रोशनाई गेट के इफ्तिताही तकरीर, कमिश्नर लाहौर डेप्यूटी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा, डीजी वॉल सिटी की शिरकत, कमिश्नर का कहना है कि रोशनाई गेट रोज दिन में 12 घंटे तक खुला करेगा, आवाम को सहूलत होगी।